हेलो दोस्तों इलेक्ट्रिकल एक्स वाई जेड में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लग की जो पिंस होती हैं उनके ऊपर कट क्यों लगे होते हैं आपने कई बार देखो ना कि कुछ प्लग हमारे ऐसे होते हैं जिनकी पिंस के ऊपर जो है जो ऊपर तीन पिंस हैं उनके ऊपर जो है कट बजे होते हैं तो आखिर ये कट क्यों लगाए जाते हैं हम इस बारे में इस वीडियो में जानेंगे हमारे प्लग की जो पिंस होती हैं वो जनरली ब्रास और एल्युमिनियम की बनी होती हैं ब्रास या फिर एलुमिनियम की बनी होती हैं ठीक है तो आपको पता ही होना ये दोनों जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ठीक है, है? आ, मतलब गुड कंडक्टर का मतलब है कि काफ़ी इजिली जो है करंट इनमें फ्लो कर जाता है तो उसकी ये बनी होती हैं अब बात यह है कि इनके ऊपर कट क्यों लगे होते हैं तो कट लगने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है इनके ऊपर कट इसलिए लगे होते हैं ताकि एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है ठीक है जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक साइड से दूसरी साइड पास हो रहे होते हैं तो वो आपस में कोलाइड भी करते हैं जिसके कारण हीट पैदा होती है या आपको पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो एक तरह से हीट को भी डिसिपेट करता है ठीक है तब तो होता है क्या कि हीट से आपको पता है जब भी कोई मेटल जो है वो हीटअप होता है तो वो एक्सपैंड कर जाता है ठीक है जब भी कोई मेटल हीटअप होता है तो वो एक्सपेंड कर जाता है जैसे कि आपने सुना होना कि गर्मियों हो में जो हमारे रेलवे लाइन्स होती हैं ठीक है रेलवे की जो पटरी होती है जहाँ पे उनका ज्वाइंट होता है वो आपस में बिल्कुल ही क्लोज हो जाता है ठीक है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच हो जाता है बट गर्म सर्दियों में हम देखेंगे विंटर्स में तो वो जो गैप है वो थोड़ा दूर चला जाता है क्योंकि पटरी जो है वो कॉन्टैक्ट हो जाती है तो गर्मियों में मेटल एक्सपैंड करता है सर्दियों में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे है कि जब भी हीट आएगी हीट आएगी तो मेटल एक्सपैंड करेगा मतलब कि जो हमारी प्लग की पिंस हैं वो क्या करेंगी वो एक्सपैंड करेंगी ठीक है जब भी उसमें करंट फ्लो करेगा तो वो पिंस एक्सपैंड करेंगी अब उस एक्सपेंशन से क्या होगा कि जो हमारा प्लग है वो अंदर ही फंसा रहेगा ठीक है वो सॉकेट के साथ अंदर ही फंसा रहेगा जब हम उसको निकालेंगे तो वो निकल ही नहीं पाएगा ऐसा अपने कई बार देखा भी होना कि प्लग हमारा जो है वो सॉकेट से निकलता ही नहीं है बार ठीक है तो इसी कारण वो जो है वो कट लगे होते हैं अब होता क्या कि उन कट का क्या मतलब है कि जब भी वो करंट फ्लो करेगा ये कंडक्टर जो है हीट छोड़ेगा तो उस हीट से क्या होगा मेटल एक्सपैंड करेगा तो वो एक्सपैंड जो करेगा वो यहीं पे ही कर जाएगा ये पिन के जो बीच का गैप है एक्चुअली यहीं पे वो एक्सपेंशन जो है वो कवर हो जाएगी तो जो हमारा पिन का वो है वो बाहर को नहीं फैलेगा पिन का मेटल जो है वो बार को नहीं फैलेगा तो वो सॉकेट के अंदर फंसेगा नहीं तो प्लग हमारा इजिल बाहर आ जाएगा तो यही एक सिंपल सा रीजन है इसी कारण से मतलब कट लगे होते हैं प्लग की पिंस के ऊपर अब बात यह है कि कौन सी वाली आपने देखो ना कई प्लग ऐसे होते हैं जिन पे कट नहीं होते हैं और कई ऐसे होते हैं उन पे कट होते हैं तो अब किस पे कट होते हैं किस पे नहीं होते हैं इसका एक सिंपल सा आंसर है पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि जो हमारी पिंस होती हैं वो ब्रास या फिर एल्यूमिनियम की होती है ठीक है तो जो हमारा ब्रास है ब्रास मतलब पीतल आपने देखा हो ना पीतल जो है वो ब्राउन से कलर का होता है ठीक है और जो हमारा एल्यूमिनियम है वो एक व्हाइट से कलर का होता है कुछ ठीक है तो एक्चुअली जो हमारे ब्रास की पिंस बनी होती हैं जन मैक्सिमम उन्हीं में ही मैक्सिमम क्या हंड्रेड परसेंट उन्हीं में ही कट्स होते हैं जब भी ब्रास की पिंस रहेंगी तो वहां पे आपको कट देखने को मिलेगा पिंस के ऊपर प्लग की पिंस के ऊपर बट अगर एल्यूमिनियम की पिंस होंगी तो जो है वो आपको कट देखने को नहीं मिलेगा उसमें जो है वो कट नहीं होगा जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ये देखो ये जो है ये जो पिंस हैं ये जो है ये एल्युमिनियम वाली हैं तो इनके ऊपर कट्स नहीं है ये डायरेक्ट ही है ठीक है इसमें कोई ऐसा कट नहीं है ये सॉलिड मेटल है एकदम से बट अगर यहीं पे अगर ब्रास की पिंस होती ब्राउन कलर वाली तो उनके ऊपर कट लगा होता तो यही एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो ब्रास की पिंस रहेंगी उनमें कट रहेंगे और जो एल्यूमिनियम वाली रहेंगी उनमें कट नहीं रहेंगे दोस्तों यही एक कारण है कि प्लग की पिंस के ऊपर कट लगे होते हैं मैंने आपको बता दी कि कौन सी पिंस पे लगे होंगे और कौन सी वाली पे नहीं लगे होंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तब तक के लिए जय हिंद मिलते हैं अगली वीडियो में